दोस्तों क्रिकेट के सबसे छोटे यानी T20 फॉर्मेट को बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहा जाता है। इस फॉर्मेट में खूब तेज तर्रार बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है और इस तरह के बल्लेबाजी ICC की रैंकिंग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वर्तमान समय में भी दुनिया में कई बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो इस फॉर्मेट के बादशाह बने बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको T20 वर्ल्ड कप के खास मौके पर इस फॉर्मेट के इस समय के टॉप 10 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। मोहम्मद वसीम। UAE के 28 वर्षीय बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने अपना T20 डेब्यू साल 2021 में किया था और तभी से इनका करियर शानदार रहा। वसीम इस समय T20 के टॉप 10 बल्लेबाजों में 10वें नंबर पर आते हैं। इस समय उनके 626 रेटिंग अंक हैं। वसीम ने अब तक अपने T20 करियर में 20 मैचों की 20 ही पारियों में 39.11 की औसत से कुल 743 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। विराट कोहली। दोस्तों एक समय विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन आज वे ICC की T20 रैंकिंग में 9वें नंबर पर पहुंच गए, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म पिछले कुछ समय से बेहद खराब रही है। हालांकि अब वे फॉर्म में वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि वे जल्दी ही T20 के टॉप बल्लेबाजों में से एक होंगे। विराट कोहली इस समय 635 रेटिंग अंकों के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। कोहली ने अब तक 112 T20 मैचों में 52.27 की औसत से कुल 3868 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 35 अर्धशतक भी शामिल हैं। पथुम निसांका। श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका ने भी पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक निसांका ने 35 T20 मैचों की 33 पारियों में 29.31 की औसत से कुल 938 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। पथुम निसांका इस समय 658 रेटिंग अंकों के साथ T20 के 8वें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आरोन फिंच। ऑस्ट्रेलियन कप्तान आरोन फिंच एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनके नाम T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। फिंच पिछले कुछ समय से लगातार फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ शानदार पारियां खेली हैं। फिंच इस समय 681 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के 7वें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। फिंच ने अब तक 103 T20 मैचों की 103 ही पारियों में 34.29 की औसत से कुल 3120 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 19 अर्धशतक भी शामिल हैं। डेविड मलान। इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक डेविड मलान कुछ समय पहले तक T20 के नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन हाल ही में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है और इसीलिए अब वो नीचे खिसक गए। इस समय डेविड मलान 754 रेटिंग अंकों के साथ 6ठे नंबर के T20 बल्लेबाज हैं। मलान ने अब तक 53 मैचों की 52 पारियों में 38.78 की औसत से कुल 1745 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक भी शामिल हैं। एडन मार्करम। इस समय साउथ अफ्रीका की रीढ़ माने जाने वाले एडन मार्करम T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। मार्करम वर्तमान समय में 762 रेटिंग अंकों के साथ 5वें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 29 मैचों की 25 पारियों में 40 की औसत से कुल 842 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। साथ ही उनके यह रन 148.24 की शानदार स्ट्राइक रेट से आए हैं। बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं किया और इस T20 वर्ल्ड कप में भी वे इसी हालत में नजर आ रहे हैं। उनकी फॉर्म इस समय पाकिस्तानी टीम के लिए मुसीबत बनी हुई है और इसी वजह से अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से भी लगभग बाहर हो गई है। बाबर आजम इस समय 799 रेटिंग अंकों के साथ T20 के 4थे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। बाबर ने अब तक 95 T20 मैचों की 90 पारियों में 42.06 की औसत से कुल 3239 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 29 अर्धशतक भी शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इस समय अपनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक इन पर निर्भर करती है। सूर्य कुमार यादव इस समय T20 क्रिकेट के 3रे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनके 828 रेटिंग अंक हैं। सूर्य कुमार यादव ने अब तक 37 T20 मैचों की 35 पारियों में 40.66 की औसत और 170.3 की शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 1179 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक भी शामिल हैं। डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे इस समय न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। पिछले कुछ समय से वे लगातार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अब तक 30 T20 मैचों की 27 पारियों में 54.42 की औसत से कुल 1034 रन बनाए हैं, जिसमें
7 अर्धशतक भी शामिल हैं। कॉनवे इस समय 831 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज हैं। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की रन मशीन के नाम से मशहूर हो चुके मोहम्मद रिजवान इस समय टी20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर करती है। रिजवान ने अब तक 76 टी20 मैचों की 65 पारियों में 50.54 की औसत से कुल 2527 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 22 अर्धशतक भी शामिल हैं। रिजवान इस समय ICC की टी20 रैंकिंग में 849 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, ये थे इस समय के टी20 के 10 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।